सर जी गालियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई इंसान वाली गल है? हरकत है की कह रहे हैं पैसे पिछल जाने के नहीं। अब ये देखिए कितना वजन इसने उठाया हुआ है। अभी एसपी साहब से बात भी करते हैं जाके। अब देखिए ये बात नहीं करने दी जा रही जनाब, चलें वेट कर लेते हैं। नाजिम वेट कर लेते हैं। सर बात करनी है, सर बात करनी है, सर एक बात करनी है मैंने उनसे। ये जी ये देखें जी, ये जनाब सर जी गालियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई इंसान वाली गल है? हरकत है। नजीर भाई कैसे है? अल्लाह देख मिनट सर, सर आप उन्हें मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं जनाब, अच्छी चीज़ थोड़ी है जनाब। मेरे मजदूरी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मजदूरी वन में आ रहा है, वन में। आप आराम से कहे ना, आप उनको मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। नहीं आ रहे वन में, नहीं वन में। आप जो वन में की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको तो आप रोकते नहीं है। वो बेचारा अपनी रोजी कमा रहे हैं, आप उसको धक्के दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। हमने किसी को गालियाँ दे रहे हैं, उसको आपने गालियाँ दी है भाई? हमने दी नहीं, गाली दी है। अस्सलाम वालेकुम, इन्हें तुम्हें गाल कटी है? गाला कटी है तुम्हें? कटी कह रहे मजदूरी कर रहा बेचारा, और वो ट्रैफिक वार्डन जो आया था गालियां दे रहा है, मार रहा है, धक्के दे रहा था इसको। सीडीओ साहब ये देख ले आप कि आपके जवान वर्दी की आड़ में बदमाश बन गए हैं, गरीब को मजदूरी भी नहीं करने देते। अब ये मेरा भाई मजदूरी कर रहा है, गत्ते रख के मजदूरी के लिए जा रहा है, और वो जनाब इनको गालियां दे रहे हैं, धक्के दे रहे हैं इनको। आप इधर साइड पे आए जरा, उनसे जरा बात करते हैं कि क्यों जनाब बदमाश है ये, वर्दी की आड़ में बदमाश हैं आप? अजीब बात है। स्टूडियो साहब ये देख लें कि मजदूरी कर रहा है बेचारा, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकला हुआ घर से, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के यानी कि वनवे के खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनको तो आप रोकते नहीं हैं। पेटी भाई आपके आते हैं, उनके आप चलान नहीं करते, और गरीब मजदूर को आप पकड़ लेते हैं और उनके आप उनको धक्के देना शुरू कर देते हैं आप। तो सीडीओ साहब आपसे मुतालबा है कि अपने जवानों के लिए चेक इन बैलेंस रखें, उनको ये बताएं कि आपने किसी बंदे के साथ ये चीज़। अब ये इनको धक्के मारे गए हैं, गालियाँ दे रहे थे, क्यों जनाब? पैसे दे दे इनको तो फिर जनाब पैसे दे दिए फिर जान देने, फिर तो जान नहीं देना साले, फिर तो जान देना साले, पैसे दे दो फिर जान देने। ये जी देखें जी ये हालात है जी। नाज़िम यहाँ पर आप देख लें कि ये भाई मजदूरी के लिए घर से निकला हुआ है, मजदूरी कर रहा है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, ये जनाब जा रहा है उधर और इसको रोका है, धक्के दिए हैं, उसने गालियां देना शुरू कर दी हैं इसको। अब हमने बात की है तो जनाब आगे चले गए हैं, आगे चले गए हैं। सारा दिन यहाँ पर वन वे की लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, रोकते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, कभी जनाब समोसे खाने चले जाते हैं। और जब एक बंदा शरीफ मजदूर बंदा अपनी दिहाड़ी के लिए जा रहा है, उसको आप धक्के मार रहे हैं, और जनाब आराम से कह दें कि आप ऊपर से आ जाएं। अब ये देखें बेचारा कैसे जा रहा है, ये देखें जरा। अब ये देखें कितना वजन इसने उठाया हुआ है, खुदा का खौफ करें आप, खुदा का खौफ नहीं आप लोगों को कि ये देखें भाई किस तरीके से जा रहा है। अब इनके बेटी भाई आते हैं और हम चीख चीख के मर जाते हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप चलान नहीं करते। अब गरीब बंदा जनाब वो देखे किस तरीके से, अब इसको कहा गया कि जनाब ऊपर से आप आएँ। जब आपके जवान कानून नाफिज करने वाले जो दारे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, जब वो ये वॉयलेशन करते हैं तो ये आपके जवान उनका चलान नहीं करते। अब एसपी साहब से बात भी करते हैं जाके और उन्हें बताते भी हैं, वो जवान ने धक्के मारे हैं, वो रेडी वान को गालियाँ दी हैं, वो मेरे पास फुटेज रिकॉर्ड है, वो नज़ीर अवान साहब उनका नाम है, और उन्होंने जी ट्रैफिक वार्डन वालों ने मैं अब देखिए ये बात नहीं करने दी जा रही जनाब, चलें वेट कर लेते हैं जी, नाज़िम वेट कर लेते हैं। सर बात करनी है, सर बात करनी है, सर एक बात करनी है मैंने उनसे, एसपी साहब से एक बात करनी है, सर बात करनी है मैंने एसएसपी साहब से,
एसएसपी साहब से बात करनी है, आप बात नहीं करने दे रहे, डीएसपी साहब से बात कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, रोज सर बात तो नहीं ना सर, आप कैसे हैं तुसी वो? सर आप कैसे सर तुसी किसी सर आपकी तबीयत ठीक है सर तुसी सर आप ये बता दें सर आप ये बता दें सर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे मुआफ़िज़ हैं, मेरी गुजारिश सुन लें, आप ये बता दें कि आपके जो जवान हैं जो यहाँ पे तैनात है वो आम शहरी पे तशद्दुद कर सकते हैं, वहाँ पे मारा जा रहा है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है सर जी। ये डीएसपी साहब जनाब जा रहे हैं और तारिक साहब बात तो सुन लें सारे, हम ये जवाब तो दे दें। ये जी तारिक साहब बात करने से काफी ना जनाब, निकल गए हैं, अब बात नहीं, जवाब नहीं दे रहे, तशद्दुद किया जा रहा है जनाब शहरियों पर, और वो जी डीएसपी साहब थे और निकल गए, एसएसपी साहब ने बात करने की कोशिश नहीं की और वो भी चले गए हैं, तो जनाब किसको बताएं जाके, कौन सुनेगा गरीब की फरियाद? अब गरीब को मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धक्के दिए जा रहे हैं, डीएसपी साहब ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, चले गए हैं, एसपी साहब ने बात करने से इनकार कर दिया, एसएसपी साहब ने जनाब बात करना गुवारा नहीं समझा, तो जनाब गरीब की फरियाद कौन सुनेगा, गरीब किसके दर पे जाएगा? तो जनाब ये हालात है नाजिन कि ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो सीटीओ साहब आपसे मुतालबा इस चीज़ का नोटिस लें, एसएसपी साहब ने तो बात करने से इनकार कर दिया है और डीएसपी साहब मौक़िफ़ देने से इनकारी है और जनाब निकल गए हैं, तो ये हालात है नाजिन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा, अपने मेज़बान नई पट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।